नमस्कार, MP24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चौरी विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी रमेश दुबे से हमारे संवाददाता देवेंद्र वर्मा ने बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के कांग्रेस पीसी चीफ हैं, उन्होंने संघ के खिलाफ बयान दिया है कि अगर हमारी कांग्रेस पार्टी आएगी तो संघ को हम शासकीय जो कर्मचारी आते हैं उनको बंद कर देंगे। इस संबंध में आपका क्या कहना है? मैं ऐसा मानता हूँ जो हमारा अपना जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है वो राष्ट्र के निर्माण कार्यकर्ता के निर्माण के लिए काम करने वाला है। यदि हमारे जिले के सांसद ऐसा वक्तव्य देते हैं, प्रजनता से वक्तव्य देते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत संकुचित मानसिकता है और संकुचित मानसिकता के माध्यम से दे रहे हैं। पहले भी संघ पर प्रतिबंध लगा, ये प्रतिबंध बेअसर रहा है और अभी इस प्रकार को होता है, यही बेअसर रहेगा। शासन की, भारत सरकार की और बजट सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का आम जनता तक पहुंच पाती है? जो आपके यह जो आपके हम काम करने वाले जनप्रतिनिधित्व पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उसके तो परिणाम है कि आज आपका जो मध्य प्रदेश है जो 2003 तक बीमारू का, आज हम उस बीमारू को जुझारू बनाया, सुचारू बनाया, समृद्धि और आगे बढ़ रहे हैं, उसी का परिणाम क्षेत्र है। ये 90% यहाँ कृषि मतदाता है, तो क्या यहाँ कृषि महाविद्यालय छिंदवाड़ा को मिलेगा? पहले भी जैसे मैंने अभी आपने मुझसे पूछा तब भी मेरे सवाल का जवाब दिया, कृषि महाविद्यालय की आपकी उम्र की और उस कृषि के क्षेत्र में हमारे अपने हमने छिंदवाड़ा में उस विषय में काम भी किया है और उसी के आधार पर हार्डी कल्चर का हमको अपनी सरकार ने घोषित किया और हमको सौगात दी छिंदवाड़ा जिले में। और हार्डी कल्चर के क्षेत्र में आपका हमारा अपना किसान आगे बढ़े, ठीक दाम मिले, यह भी आपका हमारा प्रयास है।